श्री राम के मंदिर से जुड़ी जश्न की हर हलचल दिखाने जा रहे हैं। इस बुलेटिन में नंगल के अलावा श्री अनंतपुर साहिब, उन्ना व बिलासपुर से हमारे पत्रकारों ने एक से बढ़कर एक वीडियो भेजी है, आप भी देखें। अयोध्या में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करते ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। खत्म हुआ वनवास, पधारो हे श्री राम। अयोध्या में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करते ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई और देश भर में इस उपलक्ष का हर्ष का माहौल था। देश के हर कोने में लोगों ने जमा होकर जय श्री राम के जय घोष किए और लड्डू बांटे। खत्म हुआ वनवास, पधारो हे श्री राम। नंगल की अड्डा मार्केट में भाजपा के नंगल मंडल द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास होते ही इस जश्न को मनाते हुए लड्डू बांटे। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते नंगल मंडल भाजपा के उपाध्यक्ष सुशील चोपड़ा ने क्या कहा, सुने आप भी। आज राम मंदिर दे शिलान्यास कर रहे हैं मोदी जी, उदी खुशी दे विच असीं अज लड्डू बंडे। भारतीय जनता पार्टी सारे नंगल दे विच हरेक चौंक च लड्डू बन रही है। 12 बजे का टाइम सी उहदे मुताबिक। इस मौके पर उपस्थित व्यापारी सनी वर्मा ने कहा, अज एक इतिहासिक दिन है, शिलान्यास हो रहा है श्री राम मंदिर का। बहुत बड़ा इतिहास रचया गया अज के दिन के जिहड़ी 500 साल की समस्या सी, वह अज सारे देशवासियों की हल हो चुकी है। ये हरेक धर्म के खुशी की लहर है। इस चीज़ का असी खुल के इसका साथ देंदे हैं, समर्थन करते हैं। इसी खुशी के अज असी लड्डू बंट रहे हैं। नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित वाल्मीकि मंदिर के निकट भी भाजपा के जिला सचिव रंजीत सिंह लक्की के नेतृत्व में भगवान श्री राम के जय घोष लगाते हुए लड्डू बांटे गए। नंगल की अड्डा मार्केट अकेली ऐसी मार्केट नहीं थी जहाँ लड्डू बांटे गए। शहर की हर मार्केट में ठीक 12 बजते ही जश्न का माहौल पैदा हो गया और हर गली चौराहे से लेकर विभिन्न मार्केटों में ये सिलसिला एक साथ शुरू हुआ। नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित वाल्मीकि मंदिर के निकट भी भाजपा के जिला सचिव रंजीत सिंह लक्की के नेतृत्व में भगवान श्री राम के जय घोष करते हुए लड्डू बांटे गए। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते भाजपा नेता रंजीत सिंह लक्की ने कहा, अज बहुत ही इतिहासिक दिन, जिसका पूर्ण भारतवर्ष नहीं विदेशों में वसदे हिंदुस्तानियों को जिहड़ा बहुत चिरां तों इंतजार सी, भगवान राम जी का जिहड़ा मंदिर न्यास का अज अयोध्या दे विच मानयोग नरेंद्र मोदी जी अज नींह पत्थर रख रहे, सारे भारतवासियों दे विच ही नहीं पूरे देश विदेश दे विच जिहड़ा अज बड़ा खुशी का माहौल है। जिहड़ा ये साडा धार्मिक मुद्दा काफ़ी चिरां तों लंबी सी, बहुत सरकारां जिहड़ियां आईयां पहलां भी, पर इस धार्मिक मुद्दे नूं कोई हल नहीं करवा सकिया। मैं बड़ा धन्नवादी हाँ भारतीय जनता पार्टी दे सरताज मानयोग नरेंद्र मोदी जिहड़े साडे देश दे प्रधानमंत्री, उन्हां ने इह जिहड़ा मुद्दा हल करा के जिहड़ा बहुत ही वधिया देशवासियों नूं जिहड़ा इह तोहफा दित्ता है। इस मौके पर कर्मचारी नेता मदन लाल सिद्धू ने कहा, अज दा दिन जिहड़ा बहुत इतिहासिक दिन है हिंदुस्तान दे अंदर, जिहड़ा कि बहुत कई सौ साल पहला इहदे बारे लड़ाई लड़दे रहे, बहुत सरकार आईयां जिहड़ा कि फैसला नहीं हो सकिया कोई भी, पर नरेंद्र मोदी जी 14 दे विच आए। उस तो बाद जिस वेले इहदा मुद्दा रख्या सी विकास दा ते नाल राम मंदिर दा, नाल जिहड़ा कि 3 तलाक दा ते तारा 370 दा जिहड़ा मोदी साहब ने अपने इलैक्शन चोन मैनीफेस्टो च रख्या सी, उह जिहड़ा कि अज तिन्ने ही जिहड़े एक्ट है जिहड़े वह पास हो गए। जिहड़ा कि अज जिहड़े नरेंद्र भाई मोदी जी जिहड़ा राम मंदिर दे नींह पत्थर रख रहे ने, वह जिहड़ा कि अज बहुत खुशी का दिन है। उधर श्री कृष्ण रोमैटिक क्लब ने इस शुभ मौके पर पौधारोपण मुहिम चलाने का निर्णय लेते हुए आज रुद्राक्ष के पौधे रोपे। इस मौके पर BBMB के प्रमुख अभियंता हुसन लाल कम्बोज ने सबसे पहले पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज किया। उधर श्री कृष्णा ड्रामेटिक क्लब ने भी इस शुभ मौके पर पौधारोपण मुहिम चलाने का निर्णय लिया और आज रुद्राक्ष के पौधे रोपे गए। इस मौके पर BBMB के उप मुख्य अभियंता हुसन लाल कम्बोज ने सबसे पहले पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते
हुसन लाल कंबोज ने क्या कहा, आप भी सुने। मेरे को आज ये सबसे बड़ी खुशी हुई कि जैसे ही राम जन्मभूमि में आज शिलान्यास अपने देशवासी सभी मिलकर करने जा रहे हैं, और यहाँ के इस क्लब ने खुशी सबसे ज़्यादा ये जाहिर की कि आज एक रुद्राक्ष का पौधा इस शुरुआत से शुरू करा, और ये कहते हैं हम 11 दिन लगातार ये पौधा लगाना, ये मेरे को सबसे बड़ी खुशी हुई, ताकि उसके साथ हरियाली, पोल्यूशन और एक राम का नाम भी लिया गया और एक पौधे से शुरुआत की, और इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस मौके पर कांग्रेसी नेता विजय कौशल ने क्या कहा, वह भी सुने। मैं पहला तो सारे नो यही इस गल की अज खुशी के दिहाड़े से सारे नो बधाई दिंदा हाँ कि अज असी जिस भगवान राम नो मर्यादा पुरशोत्तम सारा जिहड़ा साडा हिंदुस्तान उस भगवान राम का अज शिलान्यास रख्या जा रहा। किसे टाइम पिछले दिनी जदों मुगलों का राज सीगा वो साडा जिहड़ा कि राम मंदिर था उन्हों खंडर बना के एक मस्जिद तैयार की गई सी, लेकिन वो गल बल नहीं जाता होया मैं, लेकिन अज असी उस खुशी के दिहाड़े ते सब तो पहला मैं ये कहवांगा, सब तो पहला असी सारे जिन्हें खड़े है पहला असी हिंदू, उस तो बाद जिहड़ियां पार्टियां दे को कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन सब तो पहला असी सारे हिंदू है, उस हिंदू धर्म नूं असी मानते हुए भगवान श्री राम जी की अज जिहड़े शिलान्यास रखते हुए कि इहदे जी दीवे जरा जला रहे हैं। मैं सारियां नूं सारे साडे नगर निवासियां नूं ते और हिंदुस्तान दे जिन्ने भी साडे हिंदू धर्म दे नाल बिलोंग करदे ने उन्हां नूं मैं लख लख बधाई दिंदा हाँ। उधर मेन मार्केट में भी डॉक्टर रोहित संदल के नेतृत्व में भी जश्न मनाते हुए आतिशबाजी करने के साथ साथ लड्डू बांटे गए। उधर मेन मार्केट में डॉक्टर रोहित संदल के नेतृत्व में आतिशबाजी करने के उपरांत लड्डू बांटे गए। क्या कहा डॉक्टर रोहित संदल ने, आप भी सुने। बहुत टाइम तो एक काम रुके हुआ सी, साडे हिंदू धर्म नाल आस्था बहुत जुड़ी हुई सी, श्री राम मंदिर दी आज नींव पत्थर रखी गई है उहदे उपलक्ष्य ते असी उपराला कीता, सानू बहुत बहुत खुशी है, बहुत अज खुशी दे पल है कि असी इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ते उहदे वास्ते मूँह मिठा कर रहे हैं लोगों का, कुछ दीपमाला करांगे शाम नूं, आतिशबाजी कीती है एक साड़ी बड़ी बहुत टाइम ते 500 साल हो गए इस काम नूं फसे हुए, जिहनूं असी अज पूरा होण दी साड़ी राह शुरू हो गई। इस मौके पर संजय सुनेजा ने भी सिटी हलचल से बात करते हुए कहा, बजरंगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अज अयोध्या दे विच जो अपना नींह पत्थर रख्या गया उहदी खुशी दे विच असी अज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं, पटाके चला रहे हैं, और असी कामना करते हैं कि मंदिर छेती तो छेती बने और सारे दुनिया दे विच उहदा प्रचार होवे ते अपना बहुत ही भव्या मंदिर बने। शुक्रिया। उधर नारी वेलफेयर सोसाइटी ने भी आज के शुभ दिन के उपलक्ष्य में पावर हाउस मंदिर में 1100 हनुमान चालीसों का पाठ आयोजित किया गया। नंगल की अड्डा मार्केट में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में भी जश्न का माहौल था। इस मौके पर भाजपा के नंगल मंडल अध्यक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में देसी घी के 500 से भी अधिक दिए जलाए गए और पूरी मार्केट में लड्डू बांटे गए। उधर सिद्धि विनायक मंदिर में भी आज इसी उपलक्ष्य में 500 दिए जलाने के साथ साथ जहाँ जमकर आतिशबाजी की वहीं लड्डू भी बांटे गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर नंगल मंडल भाजपा के अध्यक्ष राजेश चौधरी पहुंचे थे। सिटी हलचल से बात करते उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हिंदुस्तान के सुनहरी इतिहास के विच बहुत ही पावन ते पवित्र दिन 5 अगस्त 2020 लिखा गया। आज तो 5 साल तो संघर्ष जिहड़ा सनातन धर्म के विच मर्यादा पुरशोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या जी के मंदिर के निर्माण नू लैके बाबरी मस्जिद
जिहड़ी कि बाबर ने बनाई सी। 500 साल तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया, बहुत ही लोगों ने उत्थे शहादत दिती राम मंदिर के निर्माण के वास्ते। अज बहुत ही भागा वाला दिन हिंदुस्तान के सुनहरी इतिहास आया। मैं मानिया नरेंद्र भाई मोदी जी जिहड़े साडे देश के प्रधानमंत्री है, जिन्हां नूं अज सुभाग्य प्राप्त होया राम मंदिर के विच अयोध्या जी राम मंदिर के निर्माण का नींह पत्थर रखण का। मैं अज वार्ड नंबर 7 नंगल निया नंगल दे सारे निवासियों वालों, भारत देश देश तो बाहर भी रह रहे सारे भारतीयों, सारी दुनिया नूं अज असीं बहुत बहुत बधाई ते बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदे आ। जय श्री राम जी। अज 5 अगस्त 2020 पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास नाल त्यौहार मनाया जा रहा है। अज के दिन तुहानूं सारयां नूं पता है श्री राम मंदिर जन्म भूमि अयोध्या दे विच नींह पत्थर रख्या गया है, जो कि साडे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा यह नींह पत्थर रख्या गया है। 12:44 से 9 शिलाएं रखी गई हैं, जिदा कि पूरे विश्व में ही त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरे शहर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही पटाकों के नाल देश में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सारे के मुँह एक ही आवाज़ है, एक ही नारा, एक ही आवाज़, जय श्री राम, जय श्री राम। उधर श्री अनंतपुर साहिब में भी जिला भाजपा के अध्यक्ष जतिंदर सिंह अठवाल के नेतृत्व में आज के दिन का जश्न मनाते हुए जमकर आतिशबाजी की और लड्डू बांटे गए। श्री अनंतपुर साहिब में भी जिला भाजपा के अध्यक्ष जतिंदर सिंह अठवाल के नेतृत्व में जमकर जश्न मनाते हुए लड्डू बांटे गए। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते उन्होंने कहा, आज भगवान राम जी की अपार कृपा के नाल 5 अगस्त नूं साडे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अज रामलला के दरबार का नींह पत्थर उन्हां वल्लों रखिया जा रहा। मैं समझा कि अज हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया दे विच राम नाम के भगतों नूं बहुत ज्यादा खुशी आ। और भारतीय जनता पार्टी जिला रोपड़ वल्लों मैं सारे राम भगतों नूं बहुत बहुत अज दे दिन दीआं मुबारकबाद दिंदा और नाल उन्हां नूं बेनती करदा कि अज वड्डे पत्थर ते दीपमाला करके राम लल्ला दे जो दरबार बन जा रहा उन्हां दी खुशी दा प्रगटावा कीता गया। उन्हां में भी आज जश्न का माहौल था। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भजन गाकर और ढोल की थाप पर नाच कर मंदिर के शिलान्यास की खुशी जाहिर की। इस दौरान वर्ष 1992 में अयोध्या में कार सेवा करने वाले कार सेवकों को भी सम्मानित किया गया। उन्ना में भी आज जश्न का माहौल था। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भजन गाकर और ढोल की थाप पर नाच कर मंदिर के शिलान्यास की खुशी जाहिर की। इस दौरान वर्ष 1992 में अयोध्या में कार सेवा करने वाले कार सेवकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर मंदिर निर्माण की सभी को बधाई दी। आज पूरे विश्व के अंदर जहां भी राम भक्त बैठे हैं वहां हर व्यक्ति इस बात की खुशी मना रहा है कि 492 सालों के संघर्ष के बाद आज भगवान राम के उस मंदिर का पुनर्निर्माण होने के लिए, भव्य बनाने के लिए आज उसका नींव पत्थर रखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके लिए हम सब राष्ट्रभक्तों को, इस देश के राम प्रेमियों को, विश्व के राम प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उन सब लोगों को जिन लोगों ने इस संघर्ष में 1528 के बाद संघर्ष किया और उसमें शहीदियां प्राप्त की, साधु संतों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग इसके लिए शहीद हुए हैं। और आज उसका परिणाम है कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय किया, जिसके कारण आज भव्य मंदिर का निर्माण होने का नींव पत्थर रखा। हिमाचल के बिलासपुर में भी करनी सेना द्वारा भी आज जश्न मनाते हुए हवन यज्ञ का आयोजन किया।
सेना ने प्रदेश अध्यक्ष पीयूष चंदेल ने कहा कि हिंदू धर्म ने अपने आराध्य भगवान श्री राम के जन्म स्थान को पाने के लिए 500 वर्ष तक लंबा इंतजार किया, अब मंदिर बनने जा रहा है, यह हर्ष की बात है। उधर हिमाचल के बिलासपुर में भी करनी सेना द्वारा आज जश्न मनाते हुए हवन जग का आयोजन किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सेना के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष चंदेल ने कहा कि हिंदू धर्म ने अपने आराध्या भगवान श्री राम के जन्म स्थान को पाने के लिए 500 वर्षों तक लंबा इंतजार किया, अब मंदिर बनने जा रहा है तो ये हर्ष की बात है। सुने क्या कहा करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष चंदेल ने। नमस्कार, आज राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के अवसर पर बिलासपुर में करनी सेना के पदाधिकारियों के साथ आज हमने भूमि पूजन किया। इस यज्ञ के उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ करनी सेना बिलासपुर के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तकरीबन 500 सालों से ये लड़ाई चली जा रही थी और तकरीबन 500 सालों बाद जो है आज श्री राम जन्मभूमि की भूमि पूजन जो है पूरा हुआ। इस शुभ अवसर पर आज हम पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को बधाई देते हैं और इस पर्व को ऐतिहासिक पर्व मनाने के लिए आप सभी अपना योगदान दें। आप सभी अपने अपने घरों में दीप जलाएं, हवन करें, क्योंकि इस राम जन्मभूमि की लड़ाई में ये 500 सालों से जो लड़ाई चली आ रही थी इसमें तकरीबन 5 लाख से अधिक वीर और वीरांगनाओं ने शहीदी दी है। तो उन शहीदों को भी करनी सेना हिमाचल प्रदेश श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। और आज इस भूमि पूजन के अवसर पर मैं सभी लोगों को इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सिटी हलचल परिवार भी आज भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास होने पर देश की जनता को बधाई देता है। राम चरित अति पावन मधुर सरिस अरु अति मन भावन सिटी हलचल के लिए नंगल से कनव शर्मा, पंकज भाटिया, करण चोपड़ा और श्री आनंदपुर साहब से संदीप भारद्वाज, बिलासपुर से राकेश शर्मा के साथ ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट।